नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में फिर एक नए नुस्खे के साथ। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह आप अपने शरीर के अनचाहे बालों को हटा सकते हैं, वह भी हमेशा हमेशा के लिए। पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। हम अपने बालों को परमानेंटली रिमूव कर सकते हैं या फिर हमेशा हमेशा के लिए एक ही बार में हटा सकते हैं, जबकि वह यह बिल्कुल नहीं जानते कि ऐसा डॉक्टर द्वारा लिए जाने वाले लेज़र ट्रीटमेंट से भी संभव नहीं है, क्योंकि उसमें भी कम से कम 8 से 10 बार लेज़र ट्रीटमेंट की सेटिंग लेनी पड़ती है और कई बार तो महीनों महीनों तक इलाज लेना पड़ता है। और इस तरह से गुमराह किए जाने पर लोगों का विश्वास उठता जा रहा है कि बालों को हमेशा के लिए हटाने का कोई प्राकृतिक तरीका भी हो सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा करना बिल्कुल संभव है, यानी कि पॉसिबल है, पर एक बार में नहीं बल्कि समय के साथ साथ, अगर आप इस नुस्खे का इस्तेमाल कुछ समय जारी रखते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको उस नुस्खे के बारे में बताता हूँ जिसकी सहायता से आप अपने शरीर के किसी भी अंग के अनचाहे बालों को हमेशा के लिए अलविदा कह पाएंगे। तो दोस्तों, हमारा जो ये नुस्खा है वो बालों को हटाने का नहीं बल्कि बालों को फिर से बढ़ने से रोकने का है, जो कि बालों के बढ़ने की गति को कम करता है, यानी कि बालों की ग्रोथ को कम करता है। और ये बहुत ही आसान, पूरी तरह प्राकृतिक और कामयाब तरीका है। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हमें उस जगह के बालों को हटाना होगा जहाँ पर आप चाहते हैं कि वापस बाल ना आए, या जिस जगह के बालों की ग्रोथ आप कम करना चाहते हैं। उन बालों को हटाने के लिए आप वैक्सिंग, थ्रेडिंग, हेयर रिमूवर या शेव का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है इस मिक्सचर को बनाने की। इस मिक्सचर यानी लेप को बनाने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी मुलेठी पाउडर की। दोस्तों, मुलेठी पाउडर आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर या फिर पतंजलि के स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं और यह ऑनलाइन कहाँ मिलेगा, तो उसके लिए आप वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन को पढ़ें। इसके बाद हमें चाहिए होगा हल्दी पाउडर और एक नींबू। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक कटोरी में 1 चम्मच मुलेठी पाउडर को लेना है और उसमें 1/4 यानी कि आधे चम्मच से थोड़ा सा कम हल्दी पाउडर को मिक्स करना है। हल्दी पाउडर को मिलाने के बाद हमें इसमें 1 चम्मच नींबू के रस को मिलाना है। उसके बाद हमें इन तीनों को अच्छी तरह मिलाकर इसका एक लेप तैयार करना है। तो दोस्तों, जब ये लेप तैयार हो जाता है तो हमें इस लेप को उस जगह पर लगाना है जहाँ के हमने बाल पहले साफ किए थे, और उसे उस जगह पर लगाकर 15 से 20 मिनट सूखने के लिए छोड़ देना है। कुछ समय बाद जब ये सूख जाता है तो हमें इसे मलते हुए यानी कि स्क्रब करते हुए निकाल देना है। उसके बाद हमें उस जगह को बर्फ के पानी या फिर फ्रिज के पानी से धो लेना है।